सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारण, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस किसान आंदोलन के हम आपको पल पल के तमाम उन अपडेट्स के साथ रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल ये देश और दुनिया का एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कितने किरदार हैं। यहाँ पर जोश है, होश है, यहाँ पर जिंदगी का वो सब्र है, ज्ञान है, जुनून है, जज्बा है, मेहनत है, न जाने कितने किरदार यहाँ पर किसान उसके साथ साथ निभा रहा है। सत्ता में बैठे कुछ लोग और चंद मीडिया के वो चैनल जो किसान को अनपढ़, गवार और आतंकवादी तक बताते थे, उन्हीं किसानों ने ऐसे लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ा है। इस किसान आंदोलन में ना सिर्फ यहाँ पर उस हकों की लड़ाई को लड़ा जा रहा है, बल्कि दुनिया के सामने एक ऐसे नमूने पेश किए जा रहे हैं जिसको लेकर दुनिया हैरान है। दरअसल यहाँ पर ज्ञान का भंडार है, यहाँ पर मेहनत का वो नज़ारा है, लंगर से लेकर तमाम ऐसी फैसिलिटी जो किसानों ने अपने तमाम भाइयों के लिए एजाज़ की है। दरअसल ये पंजाब की एक सांझी सत संस्था की तरफ से उपराला यहाँ पर किया गया है। इस किसान आंदोलन में उस खाली समय की भरपाई के लिए ज्ञान अर्जित कर सके लोग, यहाँ पर वक्त भी अगर बीतता है वो भी खाली नहीं जाता है, वो भी ज्ञान के साथ ऐड होता है। और सबसे बड़ी बात है, इस किसान आंदोलन की जहाँ पर इतना बड़ा अनुशासन है, इतनी बड़ी संयमता है, लोगों में एक भाईचारा है, बहुत सारे किरदार इस आंदोलन के हैं। और मैंने पहले ही कहा, ये दुनिया का अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास बनेगा, और इस इतिहास का एक ऐसा पहला आंदोलन है जिसमें वाकई ही सबको हैरान किया है। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस लाइब्रेरी की, जहां पर इस पुस्तकालय में किसानों के लिए तमाम उस लिटरेचर को यहां पर ऐड किया गया है, उस तमाम विषय की सामग्री को जिसमें इस किसान से संबंधित और पंजाबी लिटरेचर से लेकर ऐसी वो मोटिवेटेड करने वाली इनोवेशन आइडियाज़ के साथ यहां पर जो एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और किसान यहां पर खाली समय में बैठकर एक मन होकर चिंतन के साथ इन तमाम पुस्तकों को पढ़ भी सकता है। हमारे साथ यहां के आयोजक हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बताएं और आप कहां से हैं? मेरा नाम रेशम सिंह गुदारा, मतलब मंडी साबो, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पंजाब। सर, आप कितने दिनों से यहाँ पर ये सेवाएँ दे रहे हैं? हमें ऑलमोस्ट यहाँ से 15 दिन हो चुके हैं, और मैंने जो आइडिया है वो सिंघू बॉर्डर पे चल रहा था, सेम कॉन्सेप्ट सत का चल रहा था, तो मैंने वहाँ पे गया तो मुझे लगा कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही अहम रोल है इसका आंदोलन में, क्योंकि जो हमारी बुक्स हैं यही हमारा हथियार हैं, जो हमारे विचार हैं यही हथियार हैं। तो यहाँ पे जो लड़ाई होनी है ये तोप से, गणासों से नहीं होनी, विचारों की जंग है। तो मैंने एक तोप खाना जो यहाँ पे खोला है, अपने ज्ञान का तोप। हाँ, अपना ज्ञान का तोप खाना है। सर, हम देखते थे यही मीडिया की रिपोर्ट्स आती थी और तमाम सत्ता में बैठे लोग कहते थे कि ये तो अनपढ़ गवार है, ये आतंकवादी हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, किसान कभी बोल नहीं सकता। लेकिन आपको नहीं लगता कि किसान तो उन लोगों की तरह चिल्लाने वाला नहीं है, वो तो ज्ञान का पिटारा लेकर साथ में आया है, इतना संयम के साथ बैठा है। ये जो बोल रहे हैं कि ये कुछ बोल नहीं सकते, कितनी मीटिंग हो गई, कितनी मीटिंग होगी उनके सामने, तो उनके बड़े बड़े लीडर बोल नहीं सके, जो हमारे लीडर हैं उनको जो समझा नहीं सके अपने जो कानून के जो फायदे हैं, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है, हम भी पढ़े लिखे हैं, जो हमारा आगू है वो बहुत ही सुचज्जे ढंग से आंदोलन भी लड़ना जानते हैं, और जो उनको जानकारी भी है पूर्ण लॉ के बारे में, इसी वजह से पहले जानकारी पंजाब को हुई, पंजाब के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पता चल रहा है, तो हमें यहाँ से लेकर कश्मीर से लेकर केरल तक की सपोर्ट हमें मिल चुकी है। आपने कल देखा होगा केरल वाले हमारे लिए अनानास लेके आए थे, इसका मतलब है वो हमें जान चुके हैं कि हम सही हैं। तो इसका जो श्रेय है जो पंजाब के किसानों को जाता है या हरियाणा के किसानों को जाता है, जिन्होंने आगे होकर लीड किया है। सर, किस तरीके की जो विषय सामग्री आपके पास है, किससे रिलेटेड ज़्यादातर जो बुक्स हैं किसान जिसको पसंद कर रहे हैं या किसान उसको पढ़ना चाहता है? हमारे पास मोस्टली सभी बायोग्राफी जो हमारे शहरशील हैं, जो क्रांति हुई हैं, हमारी आज़ादी की हैं, या हमारे सिखिज्म के जो हमारे योद्धे हैं, जो हमारी विरासत है, उनका सभी मिक्स है। कोई एक चीज़ नहीं है कि हम पूरा एक चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, हमारा मिक्स है पूरा।
सर, किस तरीके का रुझान किसानों में आपको नजर आता है? खाली वक्त में किसान कितनी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं? लोग पढ़ने वाले होते हैं, बहुत आते हैं और अच्छा रुझान है लोगों का। क्योंकि पहले क्या था, आज के और पहले के समय में क्या अंतर है? जो आपने पहले बात बोली कि हम अनपढ़ गवार हैं, अनपढ़ गवार पूरे पहले भी नहीं थे, थे बिल्कुल, लेकिन उन माँ बाप ने अपनी ईमानदारी से, मेहनत से, खेती से आपने बच्चों को पढ़ाया है। यही दुख है, यही प्रॉब्लम बन गई है मोदी सरकार की। मोदी सरकार की ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों को बिल समझ नहीं आ रहे, मोदी की ये प्रॉब्लम है कि लोगों को बिल समझ क्यों आ गए। तो लोग पढ़ चुके हैं, लोग अवेयर हैं। हम अपने बुजुर्गों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी 35-40 साल की मेहनत के बाद दो सूबे जो प्रमुख खेती के आधार पे हैं उनको जगाया है, उनको गुड़ी नींद से उठाया उनको, और उनमें हमारे बुजुर्गों का और अब इस नौजवान पीढ़ी का जो अवेयर हो चुकी है, जो अपने हकों के बारे में जागरूकता है और जो एक शांतिमय ढंग से उनको लेना भी जानती है, तो इससे रुझान है जो बिल्कुल बढ़ रहा है। किताबें लोग पढ़ना चाहते हैं, हमें भी चाहिए ऐसे भाई के जो जो मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने ऐसा कंसेप्ट तैयार किया है। और ये भी एक बहुत ही सलाना जो कदम है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको पता चलेगा कि हिस्ट्री क्या है, जहां हमारा प्रेजेंट क्या है और हमारा फ्यूचर क्या होना चाहिए। किसी ने बोला है, मैंने एक दिन पहले भी ये बोला था कि माना है कि किताबें किसी को रोटी नहीं देती, लेकिन किताबें आपको बताती हैं कि आपके हिस्से की रोटी कौन खा रहा है। सो अभी सभी नौजवानों को, सभी को जो भी है उनको किताबें पढ़नी चाहिए और जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर कोई किसान यहाँ से बुक इश्यू करवाना चाहता है, क्या प्रोसेस रहता है? वो कितने दिन तक अपने पास रख सकता है या उसको कोई फ़ी भी देनी पड़ती है? नहीं, ये यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, उसको सिर्फ अपना फ़ोन नंबर और नाम नोट करवा के जाना है, बस इतना सी है। जो हमारे पास ज़्यादा स्टॉक रहता है वो हम इशू कर देते हैं, जब हमारे पास उसी स्टॉक में से सिंगल बुक रह जाती है तो हम यहाँ पे बैठ के पढ़ने के लिए प्रेफर करते हैं। बस सिंपल सा सिस्टम है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे न्यूज़पेपर होता है, शाम को 4 से 6 तक एक हम विचार गोष्ठी करते हैं, जो भी बंदे यहाँ से किताब इशू ले करवा के जाते हैं कि आपने क्या, आपको लग रहा है आंदोलन के बारे में क्या होना चाहिए, किस चीज़ की कमी है, वहाँ पर वार्तालाप एक होती है, विचार गोष्ठी जिसको बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। निश्चित तौर पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से किसानों ने इस आंदोलन की एक ऐसी नींव रखी है जिसमें सब चीज़ों का मिश्रण है। जहाँ तक कि आपने देखा होगा कि किसानों ने इसी बॉर्डर से ट्रॉली टाइम्स की भी शुरुआत की है, यानी कि अपना ही अखबार अपने ही विचारों को बांटने की एक शुरुआत की है, और अब ज्ञान का भंडार भी किसानों की तरफ से यहाँ पर रखा गया है ताकि लोग उसको पढ़ सकें। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, देखिए आप बड़े ही शालीनता के साथ, बड़े संयम के साथ बैठ कर रीडिंग करते हैं। अपने अपने हर किसी की रुचि है, वो किस विषय की बुक्स यहाँ पर पढ़ना चाहता है, तो ये पूरा एक उस तरीके का पीसफुल एक माहौल यहाँ पर दिया गया है। बुज़ुर्ग किसान आते हैं, नौजवान युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठकर किसी भी तरीके का उनका मनपसंद का जो भी उन्हें यहाँ पर लिटरेचर पढ़ना है वो लोग पढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सब कुछ बहुत अद्भुत है, अकल्पनीय, अस्मरणीय, और बहुत कुछ यहाँ पर शानदार है। और ये हमने तस्वीरें आपको टिकरी बॉर्डर के बिल्कुल समीप की दिखाई है, जहाँ पर ये एक अनोखी लाइब्रेरी खुली है जो किसानों के खाली समय की भरपाई के लिए उन्हें ज्ञान बांट रही है। दरअसल ये एक बहुत बड़ी मिसाल किसानों का आंदोलन पूरे देश और दुनिया के लिए बना है, जहाँ पर हर रंग एक से एक बढ़कर है। हम आपको तमाम रंगों से वाकिफ करवाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक भी तेज रैना से नहीं जुड़े, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर लें। टिकरी बॉर्डर से मेरे कैमरा पर्सन जस्सी के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।